हेलो, कैसी हो सरश? सुना है आज तुम्हारी और फैसल की शादी की तारीख रखी जा रही है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। तुम उस घर में दुल्हन बनकर आ रही हो जिस घर के बारे में सुनना तुम्हें गवारा नहीं है। अगर मैं जिद करती तो हार जाती। वैसे तुम्हारी बहन है तो बहुत शातिर, आते ही पापा पे अपना जादू चलाती है। पापा मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं। ये तो है रहमा, मेरी बहन बहुत बड़ी जादूगरनी है। उसका जादू सर चढ़कर बोलता है। लेकिन तुम्हारा शौहर भी कम नहीं है, वो आज भी मेरी बहन के घर उजाड़कर अपना घर बसाना चाहता है। और तुम ऐसे शख्स को अपनाना चाहती हो? और चची जान, वो तो तुम्हें जहरीली नागिन कह के पुकारती हैं। मैं डस नहीं आ रही हूँ, दूर रह के मैं अपनी दुश्मनों की रगों में इतना जहर नहीं फैला पाऊंगी। क्या कर लोगी तुम ये सब कुछ करके? फैसल कभी तुम्हारा नहीं होगा रहमा। फैसल के सहारे मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी भी नहीं है सहरिश, मुझे बस इन दीवारों में कैद रहना है, मेरे घर की दीवारों में, मामा की निभाई सजाई दीवारें, मेरा घर। रायमा तुम परेशान मत हो मेरे लिए सहरिश, ये जंग मेरी है और मैं जानती हूँ मुझे इसे कैसे लड़ना है। जी, कितना अच्छा लग रहा है ना। रायमा और चाची जान के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया। रायमा अब खामोशी से चली गई। समंदर की खामोशी नहीं बल्कि खामोशी में छुपे तूफान की तरफ ध्यान दो। खुदा के लिए अजीम, अपने दिल में कोई बुरा ख्याल मत लाइएगा, बदगुमानी रिश्तों को निकल जाती है। मुझे तो डर लगता है कि रायमा दीवानी है, पागल है। वो दीवानी है, पागल है, पर आपके प्यार में। आपको रायमा को यकीन दिलाना होगा कि वो चाहे कहीं भी चली जाए, वो हमेशा आप ही के दिल में रहेगी। लेकिन बेटी की मोहब्बत में खुदगर्जी भी तो छुपी है। पर हर बेटी खुदगर्जी होती है नाजीम। एक घर से दूसरे घर जाने में उसे जिस अजियत से गुजरना पड़ता है वो आप नहीं जानते। हर बेटी की दुआ होती है कि बाप का घर कभी ना छूटे, क्योंकि उसके बाद तो बस समझौता ही रह जाता है। क्या मतलब? तुम भी सिर्फ समझौता कर रही हो, खुश नहीं हो मेरे साथ? ये समझौता कितना प्यारा होता है ये तो बाप का घर छोड़ने के बाद ही पता चलता है ना। अगर हम सफर आप जैसा हो, मेरी तो दुआ है कि हमारी रायमा का समझौता भी उतना ही प्यारा हो। आमीन। चलिए, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अजीब लगता होगा ना, पहले आप यूं हारिस भाई को सी ऑफ करती होंगी और अब पापा को। क्या मतलब है तुम्हारा? इससे ये जल्दी आपको रूप बदलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ना, है ना? कितना मुश्किल होता होगा आपके। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हकीकत को मानने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती, सच्चाई की होती। सच्चाई भी धोखा दिल में कोई और शादी किसी और से। ये सवाल तुम खुद से क्यों नहीं पूछती? तुम्हारे दिल में कौन? तुमने किससे वादे किए थे? और तुमने फैसल को क्यों शादी के लिए मुंतखब किया? जी, यकीनन तुम्हारे दिल में एक ही जवाब आया कि तुम्हारे दिल में फैसल के सिवा और कोई नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है। क्यों इंतखाब किया मैंने फैसल? क्या मैं वैसे शिकस्त खा गई हूँ या उसे रोक गई? मेरे पापा से कुछ ना कहता नहीं, ना मैं पूछते रहूँ ना शिकस्त मानूंगी, मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। जीनत बहन, ये तो ज्यादती है ना कि पहले महविश की शादी का बहाना कर दिया और अब फैसल की शादी आगे आ गई। अरे नहीं नहीं सूफिया बेगम, मैं बहाना थोड़ी कर रही हूँ।
भाई ये तो मजबूरी है ना। देखो चाह तो मैं भी ये रही थी कि फैसल की शादी के साथ ही मैं सहरिश को भी रुखसत कर दूं, मगर क्या करूं कि दो दो शादियों का बोझ मैं नहीं उठा सकती। जाहिर है अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, माजूर जो हो गई हूँ मैं। अल्कीस, भाभी ठीक तो कह रही हूँ, अपने हाथ से चाय तक नहीं उठा सकती मैं। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक हाथ तो सलामत है, चाय पी लें। अरे बहन उल्टे हाथ से खाना पीना गुनाह है। अरे मजबूरी में कोई गुनाह नहीं है। अच्छा देखें आज हम जा रहे हैं फैसल की तारीख रखने के लिए, जो भी तारीख तय होगी ना उसके एक महीने के बाद हम सहरिश की शादी की तारीख रख लेंगे। वादा? जी जी बिल्कुल वादा, मैं बल्कि खुद फोन करके आपको बता दूंगी। चल बिल्किस बहन आपकी चाय ठंडी हो रही है। नहीं पीनी मुझे चाय बहन, मुझे काम है, मैं जाती हूँ, इकबाल से काम है मुझे। मिल्किस शायद नाराज हो गई। नहीं नहीं मैं उसे देख लूंगी। मैं चोरी नहीं कर रही थी। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम चोरी कर रही थी? तुम्हें कुछ चाहिए था? वो मामा की ज्वेलरी पापा के पास थी। हाँ अजीम ने मेरे पास रखवाई थी, यही है। तुम मुझसे कह देती है तुम्हारी तो अमानत थी, मैं तुम्हें दे देती। अजीम ने मेरे पास तुम्हारी रुखसती के लिए रखवाई थी। ये मेरी है तो मैं आपसे क्यों मांगती? वो मेरी नानी माँ के करे भी। हाँ वो यही है, रुको मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने उन्हें संभाल कर इन चूड़ियों के साथ रख दिया। एक मिनट ये आओ मैं तुम्हें दिखाऊँ। जरूरत नहीं है। रायमा सुनो ये ज्वेलरी तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे जहेज के साथ रख दूंगी। ये काम मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो फिर अजीम के आने का वेट कर लो, उसके बाद ले जाना। मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ, दादो ने मुझे कहा है कोई चीज रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम रखना चाहती हो तो रख लो, पर प्लीज अपना काम जल्दी खत्म कर लो और तैयार हो जाओ। जी अच्छा। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? एक हाथ से बर्तन कैसे धुलेंगे? जैसे भी धुलेंगे ना धो लूंगी, कोई माजूर तो नहीं कहेगा ना मुझे। अम्मा आपको किसने कह दिया आप माजूर हैं? तुम्हारी ताई अम्मा और कौन? तुम्हारी शादी का इंतजाम अब उन्हें बोझ लग रहा है, सबके सामने मुझे जलील ही करती रहती है। मैंने सोचा आप खुद ही काम कर लूंगी। अम्मा आप कोई माजूर नहीं है, आप इधर आए बर्तन मैं धो लूंगा। इधर आए आप, इधर है। धो लूंगी छोड़ो मुझे। अम्मा आप इधर आ जाएं। अच्छा अम्मा एक बात बताएं। इस सहरिश की बात पक्की हो गई है क्या? लो ऐसी वैसी, महीने के बाद शादी है, तुम्हारी ताई अम्मा जुबान दे आई है। चलें अच्छा है, इससे सहरिश का हसद तो खत्म होगा। ऐसे तो ना कहो, मेरा तो अरमान था कि मैं सहरिश को अपनी बहू बनाऊं। अब रायमा से जो बात पक्की हो गई तुम्हारी। अम्मा रायमा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मासूम है वो, और सहरिश बहुत तेज और शातिर, मैं उसके साथ जिंदगी में कभी भी नहीं रह सकता था। रायमा कितनी मासूम है ये तो शादी के बाद ही तुम्हें मालूम होगा फैसल, अब तो उसे इस घर में आ ही जाना चाहिए। Thank you.
बिल्किस, आज रायमा तुम्हें देखने आने ही वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गई। बस सुलेखा बेगम, मैंने सोचा अपने काम निपटा ही दूं, वरना ऐसा ही ना हो के आप लोग समझें मैं अपाहिज ही हो गई। अरे अल्लाह ना करे भाई, बिल्किस हमारी तो बहुत ही हिम्मत वाली है। मैंने तो कहा था कि दानिश और इकबाल जाकर तारीख ले आते हैं, मगर बिल्किस कहने लगी कि नहीं, हम लोग खुद जाएंगे। नहीं अम्मी, अच्छा हुआ ना चाची जान खुद आ गई। बेटा शादी की तारीख तो तय कर ले। निकाह तो हो चुका है, आगे जब आप चाहें। तो बस फिर ठीक है, आने वाला जुम्मा ठीक रहेगा। क्यों बिल्किस? मेरा बस चले तो मैं अभी अपनी बहू को यहाँ से लेके चली जाऊँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बेशक आज ही ले जाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी हैं माँ? मैं बिल्कुल ठीक, जीती रहो। रायमा, तुम्हारी सास चाहती है कि तुम आज ही इनके साथ घर चली जाओ। रायमा, सबका मुंह मीठा कराओ ना। शुक्रिया बेटा। अजीम, आज हम लोग दोहरे रिश्ते में बन गए, बस दुआ करें कि हमारे दिल भी हमेशा इसी तरह जुड़े रहें। देखें, दिल जुड़ते हैं तो ही रिश्ते बनते हैं, और सच पूछें तो ये सब महविश का ही कमाल है। भाई मेरी बहू ने तो मेरे घर को जन्नत बना दिया है, माशाल्लाह। जुलेखा बेगम, ये तो आपकी मोहब्बत है। महविश बेटा, तुम एडमिशन कब ले रही? बस अबू, आज बेटी को रुखसत कर दूं, फिर देखते हैं। इकबाल साहब, इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है कि मैं कोई बड़ी तकरीब नहीं कर पाया, अब एक ग्रैंड रिसेप्शन मेरी तरफ से होगा। बेटा, तुम बेटी रुखसत कर रहे हो, इससे बढ़के और क्या होगा भला? असीम भाई, अब हमें इजाजत दें, हम लोग अब घर जाएं। जैसे आपकी खुशी। महविश जी, मैं रायमा को देख के आती हूँ। असीम, आप भी चले ना। नहीं महविश, तुम जाओ अम्मी के साथ, मुझमें इतना हौसला नहीं। अजीम बेटा, वाकई बेटियां बहुत प्यारी होती, लेकिन उन्हें रुखसत करने के लिए माँ बाप को हौसला करना ही पड़ता है। बस बेटा, तुम दुआ करो कि रायमा और फैसल हमेशा खुश रहें। जाओ बेटा, तुम रायमा को लेकर आओ। जी अम्मी। चलो चलो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। ये नहीं होना चाहिए था। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सहरिश, कबर्ड में से बॉक्स निकाल दो मुझे प्लीज। इसमें क्या है? इसमें मेरी मामा की ज्वेलरी है। अच्छा, मैं देखूं? नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये क्या? ये तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो मामा का नेकलेस रखा हुआ था। क्या हुआ है? अरे ये तो इरम की ज्वेलरी के बॉक्सेस हैं। दादो, सारी ज्वेलरी गायब है। मामा, मैंने आज आपकी सुबह ली थी, बताए मुझे कहाँ है सारी ज्वेलरी? रायमा, मैंने तो कभी इनको खोलकर भी नहीं देखा। ये तो आपके पास है सारी ज्वेलरी। बस बस रहने दो, मिल जाएगी ज्वेलरी, इसी घर में होगी। उठो, बिल्किस बुला रही है। मैं नहीं जाऊंगी जब तक ज्वेलरी नहीं मिलेगी। पापा को बुलाए। मगर रायमा। बुलाए पापा को। रायमा, क्या हो गया तुम्हें? ज्वेलरी गुम हो गई तो तुम्हारे पास ज्वेलरी की कमी है क्या? जो ज्वेलरी गुमी है वो तुम्हारी नानी की थी, और उनको उनकी नानी ने दी थी। पापा, इसीलिए तो वो मेरे लिए अहम है।
आप प्लीज इनसे कहेगा ये सारी ज्वेलरी ले ले, लेकिन मुझे वो कंगन और वो सेट दे दे प्लीज। मुझसे? पर मुझसे क्यों? आयमा मैंने तो तुम्हारी ज्वेलरी आज तक देखी भी नहीं। आखिर घर से ज्वेलरी गई कहाँ? महविश प्लीज तुम सही से देखो, शायद तुमने कहीं रख दी हो। नहीं अजीम, खुदा की कसम जब आपने मेरे पास वो बॉक्सेस रखवाए थे मैंने सिर्फ तभी देखी थी, उसके बाद तो वो बॉक्सेस जब रायमा ने मांगे मैंने उसको दे दिए। मैंने उसे कहा भी था कि एक दफा देख लो। देख लेनी चाहिए थी पापा, जब तक मुझे ज्वेलरी नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो तुम चलो तो सही, बाद में महविश तलाश कर लेगी ना। मैं? पर अजीम मैं कहाँ तलाश करूँ? देखो रायमा तुम चलो, वरना किसी को पता चला कि ज्वेलरी गुम हो गई है तो हमारी बेइज्जती होगी। मुझे भी यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना जब तक मामा की ज्वेलरी नहीं मिल जाती, मेरे लिए वही सबसे कीमती और अहम है। पापा कर लेंगे हम ज्वेलरी का कुछ, हो जाएगा, तुम इस वक्त यहाँ से चलो। मुझे ज्वेलरी मिल जानी चाहिए। रायमा, रायमा अजीब